मूवी की शुरुआत स्टीव नाम के बंदे से होती है, जो कि एक अच्छी खासी मार्केट एडवर्टाइजिंग की जॉब करता है, साथ ही साथ एक वुमेनाइजर है। लेकिन एक दिन स्टीव की एक्स उसे पार्टी करने के लिए अपने घर बुलाती है, जहाँ पे उसके अलावा स्टीव की दो और एक्स भी मौजूद होती है, और स्टीव जो है वो ठरक की आग में उनके घर चले भी जाता है। पर वहाँ पहुंचकर स्टीव की जो तीनों एक्स है वो उसे बदला लेने के लिए, क्योंकि उसने उन तीनों को ही बहुत ही गलत तरीके से ट्रीट किया होता है, इसलिए बदला लेने के लिए उसका गेम बजा देती है और उसकी लाश को नदी में जाके फेंक देती है। फिर बाद में दिखाया जाता है कि स्टीव की जो आत्मा है वो असल में एक पर्जेटोरी नाम की जगह पे जा चुकी है, और वहाँ पे उसे किसी आदमी और औरत की आवाज़ सुनाई देती है। वो उसे बोलते हैं कि एक तरफ तू बहुत ही अच्छा मेहनत करने वाला, दूसरों की मदद करने वाला इंसान है, लेकिन दूसरी तरफ तू औरतों के साथ बहुत ही गलत तरीके से व्यवहार करता है, इसलिए तू ना अभी के लिए स्वर्ग जाएगा ना नरक। फिर वो उसे एक मौका देते हैं दुनिया में वापस नीचे जाने का, और उसे बोलते हैं कि नीचे जाके अगर तू कोई एक भी लड़की को ढूंढ पाया जो कि तुझे यानी स्टीव ब्रूक से नफरत ना करती हो और उसे पसंद करती हो, तो वो उसे मौका देंगे स्वर्ग में जाने का, और अगर वो ये चीज़ में नाकामयाब हो गया तो उसे नरक जाना पड़ेगा। बट अब ट्विस्ट ये है कि वो स्टीव को नीचे तो भेज देते हैं लेकिन एक औरत की बॉडी में, ताकि उसे जो मौका मिला हुआ है वो आसानी से पूरा ना कर पाए। और यही पूरी मूवी का बेसिक सब प्लॉट है, जो कि मेरे को काफ़ी यूनिक लगा। और टेंशन मत लेना, मैंने कुछ आपको ज़्यादा बताया नहीं है, ये जितनी भी चीज़ें मैंने बोली है वो सभी के सभी 10 या 15 मिनट में आपको दिखा दी जाती है मूवी के स्टार्टिंग में। अब एंड तक स्टीव एक औरत की बॉडी में किसी और औरत को ढूंढ पाता है जो उसे पसंद करती हो, या फिर उसे एक वुमेन की ज़िंदगी में कितनी परेशानियाँ आती है, क्या क्या दिक्कतें आती है, और वो उन्हें कैसे हैंडल करता है, उनसे निपटता है, वो जानने के लिए तो मूवी देखनी पड़ेगी। ओवरऑल मूवी सरप्राइजिंगली मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, मेरी एक्सपेक्टेशन से कई गुना ज़्यादा बेहतर थी, जो कि ज़्यादातर मोमेंट्स पर आपको हंसाएगी क्योंकि ये एक कॉमेडी फिल्म है। साथ ही साथ कुछ कुछ जगह इतनी सीरियस और डार्क हो जाएगी कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि एक औरत की ज़िंदगी में उन्हें कितनी परेशानियाँ झेलनी पड़ती है, स्पेशली उस ज़माने में जब उन्हें एक सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाता था और ट्रीट किया जाता था। सो बेसिकली ये पिक्चर कॉमेडी और डार्क सिचुएशन को काफ़ी ही ब्रिलियंट और क्यूट तरीके से दिखाती है। हालांकि फिल्म की जो एंडिंग है वो बहुत ही फास्ट और जल्दी में निकल जाती है। अब मैं उसे ख़राब नहीं बोल रहा, लेकिन अगर चीज़ों को स्लो तरीके से अच्छे से दिखाया जाता, मूवी की लेंथ को और बढ़ा दिया जाता, तो ये डेफिनेटली पिक्चर और भी ज़्यादा बेहतर हो जाती और ज़्यादा हिट करके जाती। सो अगर आप एक फेमिनिस्ट हो या फिर फैंटेसी टाइप की मूवीज़ देखना पसंद है जिसमें अच्छी खासी कॉमेडी दिखाई हो, तो 1991 की स्विच मूवी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है चेकआउट करने के लिए। बाकी अगर आप फेमिनिस्ट नहीं भी हो या फिर इस टाइप की मूवीज़ देखना पसंद नहीं है, तो मेरे चैनल पर आपको ढेरों अलग अलग जॉनर की मूवीज़ के रिकमेंडेशन वाले वीडियोस मिल जाएंगे। सो वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, और अगर वो अच्छा लगे, कॉन्टेंट पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, ना भी पसंद आए तब भी सब्सक्राइब कर देना, मज़ा आ जाएगी। बाकी एक बहुत ही ज़बरदस्त हॉरर सीरीज़ की रिकमेंडेशन वाली वीडियो देखनी हो तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।